ये है रफ़ी मेंशन, मोहम्मद रफ़ी जी का घर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं आया हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके में और अचानक यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा हमको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाए हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि मोहम्मद रफ़ी जी के गाने कितने फेमस हैं और उनके गाने सभी लोग सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी जी को कई सारे नामों से बुलाया जाता था, उनको सुरों का बादशाह और शहंशाह भी कहा जाता था। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी जी 25,000 से ज़्यादा गानों को गाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी का घर मुंबई में कहाँ है और अभी उस घर में कौन कौन लोग रहते हैं, उनके घर की प्राइस क्या है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल मैं मोहम्मद रफ़ी जी के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, मेन गेट के बाहर, और अभी बारिश शुरू हो गया है। तो चलिए उनका घर अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है, कहाँ है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज फाइनली मैं उनके मेन गेट के सामने हूँ। देखिए लिखा हुआ है रफ़ी मेंशन प्लॉट नंबर 43 और यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है इस घर की प्राइस करीब 15 से 20 करोड़ रुपए है। और आपको हम बता दें ये मुंबई के बांद्रा में लोकेटेड है और बहुत ही पॉश इलाका है। और यहाँ पर देखिए सामने का क्या माहौल है, और इनके जो इनकी बिल्डिंग है ना उसके बगल में यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दो रूम है जहाँ पे होटल जैसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं जो काफ़ी VIP हैं, उनको इन्होंने रेंट पर दे रखा है। अभी इस घर में उनके बेटे रहते हैं, क्योंकि अभी जब इस घर को लेकर विवाद हुआ था तो उनके बेटे ही केस लड़ रहे थे। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और रफ़ी जी को याद करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि ये मेन गेट है और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये फोर्थ फ्लोर की ऊपर ये बिल्डिंग रफ़ी साहब की है पूरा ऊपर तक। तो देखिए सामने का क्या माहौल है यहाँ पर, और मेन गेट के अंदर हम दिखा रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके, तो देख सकते हैं क्या माहौल है अंदर का। रफ़ी साहब मुंबई आने के बाद यहीं पर रहते थे, पहले तो छोटे से कमरे में रह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस घर को बनवाया और अपनी ज़िंदगी जो है उसको इसी में बिताई। जब उनकी डेथ हुई थी तो इस घर के सामने करीब 10 से 15,000 लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी थी, और उनको जुहू के जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहाँ पे दफनाया गया था। तो देखिए यही उनका घर है, काफ़ी शानदार है और काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये एक बहुत ही VIP इलाके में बना हुआ है। यहाँ पर पहले एक बंगलो हुआ करता था जिसको रफ़ी साहब ने बनवाया था, बाद में इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया। लेकिन नीचे का जो लोग आप लोग हिस्सा देख रहे हो ना पूरा, ये गेट के सामने का, ये रफ़ी साहब ही बनवाए थे, बाद में ऊपर उस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब इतने बड़े गायकार कैसे बने, उनका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में ही की है। जब मोहम्मद रफ़ी जी करीब 7 साल के हुए थे तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया था। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी जी छोटे थे तब इनके जो बड़े भाई थे उनके एक नाई की दुकान थी, रफ़ी जी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे, और फ़कीर इनकी दुकान पर आकर बैठा करता था और गाने गाया करता था, जिसको रफ़ी साहब बहुत ही ज़्यादा सुनते थे और उसकी आवाज़ को पसंद करते थे, और रफ़ी जी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में इतना ज़्यादा वो विलीन हो गए कि जब वो दुकान से उठ के जाता था तो रफ़ी साहब उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर तक पहुँच जाते थे। धीरे धीरे रफ़ी जी अपने आप ही गुनगुनाते गुनगुनाते इतना ज़्यादा अच्छा गाने लगे कि उनकी इस अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी
पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे और जो लोग भी नाई की दुकान पे आते थे वो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करते थे कि गाना गाइए आप। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार की बात है, आकाशवाणी जो उस समय ऑल इंडिया रेडियो था लाहौर में, उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता केएल सहगल यानी कि कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। अचानक बिजली चली गई और उसके बाद सहगल जी ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी जी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में ही मोहम्मद रफ़ी का ये पहला गाना सार्वजनिक प्रदर्शन था। और आपको बता दें कि प्रेक्षकों में श्याम सुंदर जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने उनको सुना और काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया था। इसके बाद धीरे धीरे 1945 में फिल्म गांव की गौरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने समाज को बदल डालो 1947 और जुगनू 1947 जैसी फिल्मों के लिए भी गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी 1946 में रफ़ी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिल्म दिल्लगी 1949 में इस दुनिया में आए दिलवालो गाना गवाया, जो बहुत ही सफल सिद्ध हुए। इसके बाद के वर्षों में रफ़ी की मांग बेहद बढ़ती गई और वो अनेक फिल्मों के लिए गानों को गाने लगे। आपको बता दें, जब रफ़ी साहब 1944 में बॉम्बे यानी मुंबई महाराष्ट्र आए थे, तो उन्होंने और हमीद साहब ने भीड़ भाड़ वाले भिंडी बाजार इलाके में 10x10 फीट का कमरा किराए पर लिया। कवि तनवीर नकवी ने उन्हें अब्दुल रशीद कारदार, महबूब खान और अभिनेता निर्देशक नज़ीर सहित फिल्म निर्माताओं से मिलवाया। श्याम सुंदर बॉम्बे में ही थे और उन्होंने रफ़ी को GM दुर्रानी के साथ एक युगल गीत गाने का अवसर भी प्रदान किया था। अब इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपको बता दें कि शायद ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मोहम्मद रफ़ी सर की 2 शादियां हुई थी और उनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने रफ़ी जी को छोड़ दिया था। मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी उनकी कजिन बसीरा बानू से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि बसीरा ने रफ़ी के साथ भारत आने से मना कर दिया था। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय काफ़ी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और इन दंगों में बसीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों से वो इतना डर गई कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और वो लाहौर में ही रह गई, जबकि रफ़ी अपने सिंगिंग करियर को जारी रखते हुए मुंबई में ही रहे। इस तरह रफ़ी की पहली शादी का अंत हो गया। बाद में मोहम्मद रफ़ी की दूसरी शादी बिल्किस बानो से हुई थी। मोहम्मद रफ़ी जी को पद्मश्री पुरस्कार सहित कई सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह राखी था और इनके भाई मोहम्मद शफी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्लाइल, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद सिद्दीकी था और इनकी बहन का नाम चिराग बीबी और रेशमा बीबी था। आपको बता दें, मोहम्मद रफ़ी जी के पहली पत्नी से उनके एक बेटे सईद हैं और उनकी दूसरी पत्नी से उनके बेटे खालिद, हामिद, साहिद और बेटियां परवीन, यास्मीन, नसरीन हैं। उस समय रफ़ी जी के पास कार कलेक्शन की बात करें तो फिएट पदिनी और कोंचना कारें थीं और इनकी जो नेटवर्थ है वो करीब 30 से 35 मिलियन के बीच में थी। आपको बता दें, रफ़ी साहब की मृत्यु 31 जुलाई 1980 को मुंबई में हुई थी और इनको अचानक 31 जुलाई को लगातार 3 बार हार्ट अटैक आया था
और पहला हार्ट अटैक आया तो लोग इनको लेकर अस्पताल भागे, फिर दूसरा रास्ते में आया था, फिर दूसरा जब आया ये अस्पताल में एडमिट हो चुके थे, लेकिन फिर तीसरा हार्ट अटैक आते ही इनकी मौत हो गई थी। तो ये है मोहम्मद रफ़ी जी का घर, इनमें इनके बेटे अभी रहते हैं।